चरण के होने वाले लोकसभा चुनाव 23 अप्रैल को होना है। यह चुनाव भाजपा प्रत्याशी वरुण गांधी गठबंधन सपा के प्रत्याशी हेमराज वर्मा के दरमियान कड़ा संघर्ष है, जिसको अपने पक्ष में करने के लिए दोनों प्रत्याशी व उनके समर्थक नगर व ग्रामीण क्षेत्रों की खाक छान रहे हैं। इसी के तहत सपा प्रत्याशी हेमराज वर्मा ने ग्राम शेरपुर कलाएं, भगवंतापुरे, गुलाब टांडा सहित मधोटांडा, जमुनिया सहित एक दर्जन ग्रामों की तूफानी दौरा कर चुनावी फिजा को अपने पक्ष में करने का प्रयास किया और कहा कि भाजपा प्रत्याशी ने लगभग पिछले 30 वर्षों से इस सीट पर माँ बेटे रहे, लेकिन कोई विकास नहीं किया। जनता उनके साथ है, इसलिए भाजपा की पराजय निश्चित है। पीलीभीत में बहेड़ी लोकसभा चुनाव 23 अप्रैल को होना है। अब मात्र 5 दिन शेष रह गए, इसलिए प्रत्याशी डोर टू डोर न जाकर हवाई दौरे कर चुनावी फिजा को अपने पक्ष में करने के लिए झुके हैं। जहां भाजपा प्रत्याशी हेमराज वर्मा को फटीचर सहित अनेकों उटपटांग नारे देकर चुनावी फिजा को अपने पक्ष में करना चाहते हैं, वहीं गठबंधन सपा प्रत्याशी जमीन से जुड़े मुद्दों और विकास के नाम वोट मांगकर चुनावी में जी जान से जुटे हैं। इसी के तहत सपा प्रत्याशी हेमराज वर्मा अपनी टीम और काफिले के साथ तूफानी दौरा कर ग्राम शेरपुर कलाएं, भगवंतापुराए, गुलाब टांडाए, माधव टांडाए, जमुनिया सहित एक दर्जन ग्रामों का दौरा कर लुभानी नारे देकर चुनावी फिजा को अपने पक्ष करने का प्रयास किया। हेमराज वर्मा जिस गाँव में पहुँचे उनका जोरदार स्वागत हुआ। स्वागत के दौरान उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री श्रीमती मेनका गांधी और उनके पुत्र वरुण गांधी पिछले 30 वर्षों से इस लोकसभा सीट पर काबिज हैं, लेकिन कोई ऐसा विकास नहीं किया जिसे जनता देख सके या याद रख सके। जनता इनसे अभी ऊब चुकी है। यही अजीब है कि माँ बेटे ने हार के डर से अपनी अपनी लोकसभा सीटें बदल कर जनता को एक बार फिर गुमराह करने का प्रयास किया, लेकिन जनता सब जानती है। उन्होंने कहा कि यदि वह जीते तो पीलीभीत की जनता जश्न मनाएगी और भाजपा प्रत्याशी जीता तो दिल्ली में जश्न मनाया जाएगा। इसी जनसंपर्क के दौरान ग्राम शेरपुर कलाम के प्रधान सहित जनता ने पगड़ी बांधकर उनका जोरदार स्वागत किया और जीतने की शुभकामनाएं दी। बीजेपी को